ये क्या करती है, खट 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 करती है। हाँ भाई, अच्छा बेटा सब लोग ध्यान से देखिएगा, कल के लेक्चर में हमने एनर्जी पढ़ा था, बहुत भयानक दुर्घटना घटी और एनर्जी के रास्ते में आप कई जगह गिरे, उठे, गड्ढे में लेट गए, जब कोई दिक्कत नहीं अब तो निपटी जाते। मैंने कहा कि बेटा वो सब कुछ व्यर्थ था, कुछ थ्योरेटिकल सवाल के जवाब देने थे इसलिए ये था। एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा बोलो क्या था, एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यही था ना, बोलो हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर, बस इतना ही तो है। एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, किसी स्ट्रिंग पर अगर क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको यही याद रखना है कि एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ हाफ म्यू ओमेगा ए स्क्वायर। आसान है, बहुत आसान है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इधर देखिए बेटा, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, अगर मुझसे कहता है पावर ऑफ द वेव, पावर ऑफ वेव, पावर अगर पूछता है बेटा, सुनिए ये वेव किस पे पास हो रहा है, स्ट्रिंग पे, अभी साउंड वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाले केस में अभी बात कर रहे हैं बेटा, स्ट्रिंग वाले केस में अभी बात कर रहे हैं बेटा। तो पावर, पावर क्या होता है बेटा, इनर्जी पर यूनिट टाइम। अब कुछ नहीं बोलेंगे तो एवरेज इनर्जी समझ जाना, पावर आप जानते हैं इनर्जी पर यूनिट, अरे जल्दी बोलो इनर्जी पर यूनिट, यूनिट टाइम में जितनी इनर्जी फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड पावर। अच्छा जानते हो बेटा इसमें डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, एनी प्रॉब्लम, इधर ध्यान दीजिए, इधर डी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए डी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो रहा इन टाइम डी टी, और डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, चलो बताओ बेटा अगर डी बाई डी एक्स में एक साथ कर दूं और इन टू में डी एक्स बाई डी टी इधर कर दूं, हाँ बताओ डी बाई डी एक्स क्या बेटा, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलो, इसको बिना देखे बोलना, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी क्या बताएगा, वेव की स्पीड या पार्टिकल की स्पीड, बैल बुद्धि वेव की स्पीड, क्योंकि इस रस्सी पे वेव आगे बढ़ रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रही है, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, एनर्जी आगे बढ़ रही है। तो मैंने कहा डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में डी टी टाइम लगा, तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन जा रहा है, वेव या पार्टिकल, वेव एनर्जी चल रही है ना, तो यहाँ पर बेटा किसकी स्पीड लिखेंगे, पार्टिकल की कि वेव की, वेव की, तो वी स्क्वायर, तो यहाँ पर अब सॉरी वी आएगा, सॉरी वी स्क्वायर नहीं वी। तो बताओ पावर का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। अच्छा बताओ इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, जितना एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है उसमें केवल और केवल वेव की स्पीड को मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कि पावर कितना है, एनर्जी जो पावर है उसकी एनर्जी, वेव की जो एनर्जी है उसका जो पावर है, पावर मतलब था रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पावर। तो बेटा इसका जो पावर होगा उसका फॉर्मूला हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, ये हमें याद रख लेना है, लिखो यहाँ तक। आराम से ठीक है, मिटा दूं,
आराम से आराम से आराम से देखो बेटा, इधर ध्यान से समझो। देखिए इधर ध्यान से प्लीज। अच्छा बेटा, इसी में अगर आपसे कहेगा इंटेंसिटी ऑफ द वेव ऑन स्ट्रिंग, इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई, इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए बोलेगा एक स्ट्रिंग पे वेव प्रोपागेट कर रहा है, एनर्जी बताइए यूनिट लेंथ में, मालूम है। पावर बताइए, मालूम है। अगर मुझसे कहेगा इंटेंसिटी, पहले बेटा इंटेंसिटी क्या चीज़ है? जैसे इंटेंसिटी होता बेटा कि जैसे एनर्जी ऐसे फ्लो रहा है, ये जो एरो बना रहा हूँ बेटा वो एनर्जी को दिखा रहा हूँ, और इसमें मान लो बेटा ये एक एरिया है और इस एरिया से एनर्जी परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो इंटेंसिटी का डिफिनेशन होता बेटा एनर्जी फ्लोइंग, एनर्जी फ्लोइंग, बिल्कुल आराम से सुनना, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली एंड पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये क्लियर है? अब सोचिए, जब ये रस्सी को आप ऐसे देखते बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ये रस्सी को मैं थोड़ा मोटा दिखा रहा हूँ, देर इज सम क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। जब आप ऐसे करके ऐसे ऑसिलेट कराते हैं, तो यानी आप रस्सी को खींचते हैं, इतना पोर्शन आप स्ट्रेच करते हैं, तो इसमें एनर्जी भरी, इसमें एनर्जी आई, फिर अगला पोर्शन स्ट्रेच होता है तो ये एनर्जी इधर चली गई, आगे बढ़ी एनर्जी, फिर ऑसिलेशन में जब ये वाला हिस्सा स्ट्रेच होता है तो फिर एनर्जी इसमें और आगे गई, इस तरह से एनर्जी ऐसे करके फ्लो होती है। जब आप ऐसे करके रस्सी को ऐसे करके ऑसिलेट कराते हो तो ये हिस्सा स्ट्रेच होता है, तो इधर से हम बोलते हैं एनर्जी भेजे, हमने वर्क करके एनर्जी दिया। जैसे स्प्रिंग होता है बेटा, स्प्रिंग को मैं खींच दूं इधर से, तो स्प्रिंग को खींचने पर एनर्जी भर जाएगी, लाइक वैसे ही ये स्ट्रेच होता है, एनर्जी भर गई, फिर ऑसिलेशन में ये स्ट्रेच होता है, एनर्जी भर गई, फिर स्ट्रेच होता है, एनर्जी भर गई, ये एनर्जी आगे बढ़ती चली जा रही है, ये स्ट्रेच होकर के नॉर्मल आता है और ये एनर्जी आगे बढ़ गई, ऑसिलेशन में फिर स्ट्रेच होता है, फिर एनर्जी मिलती है, बराबर इसको एनर्जी मिलती रहती है, एनर्जी फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पर बेटा दरअसल क्या है, अगर मुझे इंटेंसिटी कहेगा कि सर यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी कैसे करेंगे, तो देखिए एनर्जी फ्लोइंग, मान लीजिए डी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग यहाँ पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। अब एक बात सोचो बेटा, एरिया किसका लेंगे? हम बोलेंगे सर ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से एनर्जी फ्लो रही है, इस स्ट्रिंग से एनर्जी फ्लो रही है। सुनो बेटा, ये देखो रस्सी ऐसे करके ऐसे है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो बेटा बताओ एरिया कौन सा लें, एरिया कौन सा लें बताओ। तो हम बोलेंगे सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का अपना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, स्ट्रिंग का अपना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसी में एनर्जी ऐसे करके फ्लो रही है, वो एनर्जी ऐसे करके फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी जो फ्लो रही है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे स्ट्रिंग का, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, अच्छा डी बाई डी टी इज द पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा आप सोच के देखिए, म्यू क्या बेटा, मास, और लेंथ में एरिया का मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम हो जाएगा, इसका मतलब होगा म्यू अपॉन ए डेंसिटी कहलाता है, वॉल्यूम डेंसिटी, यानी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। व्हाट इज रो, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, जिसे हम वॉल्यूम डेंसिटी कहेंगे, इसे लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे, इसे वॉल्यूम मास डेंसिटी कहेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो पावर का फॉर्मूला वही है, बस म्यू, देखिए भाई म्यू अपॉन ए क्या है, रो, कैसे, म्यू का मतलब था मास पर यूनिट लेंथ और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वॉल्यूम, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा ना। तो यहां पर बेटा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। बेटा बात नहीं प्लीज, बातें नहीं,
हो गया। मिठाएं ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं। आओ मिलके मिटाएं आराम से, आराम से। अरे भैया आराम से है? अरे मैं तो सोचा ही नहीं था कि अरे ये हमारे यहाँ तो सोनी दीदी बैठी हुई है, ये ऐसे बोलती काट दो। अरे यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल है में तो तुम रायता फैला लोगे। चलो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एस। अरे मैं तो भूल ही गया था, सॉरी बच्चों। यहां तो खतरनाक प्राणी है ना। अब ठीक है? अब सोनी दीदी ने बोला हाँ अब ठीक है, सॉरी। मिटा दे, बहुत बढ़िया। चलो मिटाते हैं। हाँ पीछे मुड़ के बात कर रहा है, उधर ही बैठ जा, चल उधर ही बैठ जा। देखिए चलिए अब एक बात सुनिए बेटा, एक बात सुनो। इधर 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 सब लोग ध्यान दो इधर। तो हम लोगों ने रस्सी पर एनर्जी पावर और इंटेंसिटी पढ़ लिया बेटा, जितना पढ़ा वो सब व्यर्थ है। बस तीन बातें आपको याद रखनी है। स्ट्रिंग पर एनर्जी का फॉर्मूला याद कर जाओ। अच्छा स्ट्रिंग पर एनर्जी बोलेगा, हम क्या याद रखेंगे? एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। पावर याद है, इंटेंसिटी याद है, ये तीन फॉर्मूले। इसी तीन फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए हमें इतना सारा काम करना पड़ा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। यह चीज़ हम डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होता, इसलिए हमें इतना करना पड़ा। अच्छा एक बात, छोटी सी बात बताइए, ये जो सारे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो हम किस तरह के वेव के लिए पढ़ रहे हैं? स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी छोटे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अगर रस्सी पे प्रोड्यूस कराएंगे तो उसके लिए ये तीनों फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ लें। अगर कभी आपसे बोलता है, कभी मान लीजिए ऐसा ज़रूरत पड़ जाए एनर्जी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, एनर्जी ऑफ साउंड वेव, बिल्कुल आराम से सुनना। साउंड वेव बेटा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, इसमें क्या होता है कि रस्सी के केस में हमने यूनिट लेंथ याद करा है, है ना। अच्छा पहली बात तो हम वन डायमेंशनल वेव के लिए पढ़ते हैं, मतलब एक पाइप होगा जिसमें कि साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये साउंड सोर्स होगा और यहाँ से ये प्रोपागेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए प्लीज़। यहाँ पर बेटा साउंड वेव के केस में हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ तो रस्सी है ही, वहाँ तो रस्सी था, यहाँ तो रस्सी वगैरह कुछ है नहीं, है ना। यहाँ तो मीडियम से जो पास होगा साउंड वेव, उस मीडियम में लीनियर मास डेंसिटी थोड़ी ना बोलेंगे। हम कभी बोलते हैं एयर में लीनियर मास डेंसिटी, नहीं हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं, है ना। हम डेंसिटी फाइंड करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं एयर की डेंसिटी, बोलते कि नहीं बोलते हैं, लिक्विड की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, हम लीनियर मास डेंसिटी नहीं बोलते साउंड के केस में। तो वहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ पर एनर्जी पर यूनिट लेंथ याद करे था, यहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद करेंगे। और वेरी इजी फॉर्मूला बताइए बेटा, वहाँ क्या था? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
जैसे एस एच एम में फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला एनर्जी का था। यहाँ मास अपॉन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गई। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल हो रहा उसकी डेंसिटी है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ए मतलब पार्टिकल जो है बैक एंड फोर्थ उसी डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। सिंपल, तो यहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखते हैं। बोलो क्लियर? अब जैसे बेटा अगर मुझसे कहेगा पावर ऑफ द साउंड वेव, पावर फाइंड कीजिए साउंड वेव, तो क्या करेंगे बेटा जल्दी बताइए? पावर, अच्छा पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिए इधर पहले सुन लीजिए, आप लिखते हैं एक्टिंग करते हैं केवल पढ़ने की, वो तो मुझे मालूम है। पावर तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम डीवी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं जरा बताइए? क्योंकि मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, तो हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डीवी नीचे लाना पड़ेगा। तो डी अपॉन डीवी और इधर इनटू डीवी अपॉन डीटी, है ना। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास कितना है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी रुक जाइए अब डीवी बाई डीटी ये क्या है भाई? डीवी क्या है? वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए जिस पाइप के थ्रू ये पास हो रहा है उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने एस माना, ठीक है बेटा, और बहुत छोटा सा वॉल्यूम मैंने डी एक्स माना। सुनना दिल बिल्कुल ध्यान से, ये छोटा सा वॉल्यूम डी एक्स माना, ठीक है बेटा, ये डी एक्स मैंने माना। तो आप बोलेंगे सर ये जो डी वी है वो स्मॉल वॉल्यूम, यानी ये क्या था? डी इनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, डी बाई डी वी, मतलब क्या हुआ कि डी वी वॉल्यूम में डी इनर्जी है, तो डी बाई डी वी इज द यूनिट वॉल्यूम एनर्जी। तो डी वी क्या हुआ? जो डी वी वॉल्यूम माना था जिसमें डी ई इनर्जी है वो डी वी मैंने ये छोटा सा माना, पाइप का छोटा सा पोर्शन है ना, इतना बड़ा पाइप है उसमें डी एक्स लेंथ का और एस क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये वॉल्यूम, इतने का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? तो एस इंटू डी एक्स और अपॉन डी टी, और देखिए डी एक्स अपॉन डी टी वॉट? स्पीड ऑफ द वेव, है ना, वी। तो हम लोग यहाँ पर पावर का फॉर्मूला लिखते हैं हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी। बस वहाँ जो पावर का फॉर्मूला था वो क्या था? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। स्ट्रिंग वाले में क्या था? म्यू था ना, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। यहां पावर का फॉर्मूला क्या आया? हाफ रो, अरे रो बोल रहे हैं भाई, मास अपॉन वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हाफ रो, तो रो मतलब मास अपॉन लेंथ इनटू एरिया नीचे है, तो एरिया ऊपर लिखना पड़ता, तब ना एरिया से कटेगा तो वही यूनिट आएगी जो पहले थी। तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी और इंटू एस, क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, जिस पाइप से साउंड वेव चल, हमें कौन सा किस प्रकार का वेव पढ़ना? वन डायमेंशनल वेव। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो कौन सा वेव है बेटा? थ्री डायमेंशनल वेव, सामने इधर ऊपर नीचे सब जा रहा है ना। यहाँ पे हमें कौन सा वेव पढ़ना है? वन डी वेव, एक डायमेंशन में जा रहा है, ठीक है, पहुँचो। बहुत कन्फ्यूज़न है कम बखत, बहुत कन्फ्यूज़न है कम बखत। आराम से बेटा, सृजन वो तुम्हारी आत्मा इसमें आ गई है, सोनी दीदी में आ गई है। हाँ तो मैं तो यही बात पे बोलूँगा कि मैं क्या करूँ, मैं तो समझा ही सकता हूँ ना, इसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बायोलॉजी के इतने खतरनाक खतरनाक नाम तुम हंसते खेलते याद कर जाते हो, हैं? वो पसंद है, सृष्टि बोलती है बायोलॉजी हमें बहुत पसंद है। ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम है कि हम सुनते हैं तो जीप तो पहले ऐसा लगता है टेढ़ा हो गया, अब कैसे बोल देते हो तुम लोग, मैं तो वही खतरनाक खतरनाक। एक आध दो बार मैंने बाहर देखा नाम लेते हुए, मैंने कहा
देख खतरनाक लोग बोलते भी है और समझते भी है और अच्छा भी लगता है उन्हें। हो गया बेटा? क्या सर क्या पढ़ाते हो? इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, आओ चलो प्यारे बच्चों देखिए। देखिए मेन जो कहानी है वो है साउंड वेव की इंटेंसिटी का सवाल मिलता है। सुनो बेटा सुनो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव देखो बहुत इजी है। इंटेंसिटी का मतलब अभी समझाया था, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट। अच्छा बताओ यहाँ पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया जल्दी बताओ? एस पर यूनिट टाइम। अच्छा क्या डी अपॉन डी टी पावर होता है? पावर अपॉन एस। पावर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा जल्दी बताओ? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप से डिवाइड है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो गया? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। सर ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये सेम है किसके सेम है जल्दी बताओ? स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेम आ रहा है। इतना चांटा मारूंगा, ए ओमेगा पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जरूरत क्या है उसकी? क्या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल थोड़ी दे देगा? शांत अच्छा बताओ, रस्सी पर हो या फिर साउंड वेव इन अ पाइप इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, यही आ रहा है ना बेटा? हाँ देखिए सुनो भाई सुनो, इधर सुनो इधर सुनो। जो ध्यान देने वाली बात है बेटा, वे पढ़ने के बाद आपको जो एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में क्या आप एक्सपेक्टेशन होता है आपसे कि आप बना लेंगे, वो क्या है सुनो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है बेटा कि जैसे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। क्या होता बेटा कभी कभी इंटेंसिटी ऐसे लिख देगा, ये देख के तो तुम वाकई डरने वाले हो। हाफ रो क्या ओमेगा आप जानते हैं टू पाई एफ होता है, ओमेगा बराबर टू पाई एफ। अगर मैं ओमेगा बराबर टू पाई एफ लिख दूं तो कितना होगा? फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी और ये टू से टू कट गया। आप देख रहे हैं कितना बेकार सा आ गया, टू पाई स्क्वायर रो एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। देख के डर नहीं लग रहा? क्या क्या लिख दिया है ना। अच्छा कौन है? यही है ना, यही फॉर्मूला याद करते हैं और ओमेगा टू पाई एफ रख लेंगे खुद से टू पाई एफ रख के कर लेंगे। फिर सुनिए सुनिए, कभी अगर ऐसे देखते हैं तो आंखों की पुतलियां घूम जाती हैं। ये एफ को तो न्यू लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखते हैं। अरे भगवान अब तो आंखों की गोटियां घूमने लगी। अब हो गया सर, अब है ना, अब मत लिखो, एफ को न्यू लिख देगा, अजीब सा ऐसे बना के लिख देगा, बोला दिस इज द इंटेंसिटी। अरे रख तेरी इंटेंसिटी तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए ऐसी इंटेंसिटी के फॉर्मूले, नहीं आया समझ में। इसलिए बेटा ये आप याद रखो, ओमेगा बराबर टू पाई एफ आप खुद कर सकते हो, ये याद करने की जरूरत
ये तो आपको बुक में दे देगा, एकाध क्वेश्चन में कहीं पकड़ा देगा तो आप डर जाओगे कि छोड़ने वाले सवाल हैं, जबकि ये याद रखे तो ये हम कर सकते हैं, लिख लो इसको। तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि आपको ये आता होगा, ये उम्मीद लोगों को बन जाती है कि वे पढ़ लिया अब तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो हमने याद ये किया है, समझ के उसे लिख देंगे। हाँ बात कर लो दोस्त, जिंदगी में है क्या, बातें ही तो है सब कुछ। हाँ हाँ बातें कर लो। मिटाएं इधर की साइड मिटाओ बेटा। फिर सुनो जरूरी बात, जरूरी बात कुंडी पर करो, इधर 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 इधर। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या आप प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन जानते हैं? लो बोल ही नहीं रहा बेचारा, चुप हो गया एकदम। बोलो बी के ए, तो बी के ए बका, ठीक है। हाँ अच्छा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा पी नॉट अपॉन बी के हो जाएगा। रुक जा ए, इधर ध्यान दो। ए क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डेल्टा पी नॉट क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। अगर आप इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा है, इधर ध्यान देना सब लोग मेरे साथ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू, अच्छा सुनिए, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दूं तो डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू। बेटा आप देखना तुम कैसे डरते हो, रुक जाना, वैसे तो डरे हुए हो ही है ना, इन सभी फॉर्मूले से तो आप भयंकर रूप से डरे हैं। रुको रुको रुको, अरे रुको, जरूरी है यार। अच्छा एक बात बताओ, क्या ओमेगा बाई के वी होता है? अगर आप देखो तो ओमेगा ऊपर नजर आ रहा है, नीचे के नजर आ रहा है। ओमेगा बाई के होता है वी, तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर। जरा सुनना ध्यान से, आई बराबर वन बाई टू रो, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या, वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर। और एक वी पहले से, तो वी क्यूब। लो फंस गया मामला, अरे सर अब वी क्यूब कर दिए, नहीं आया। ओमेगा बाई के क्या हुआ, वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू वी क्या हो गया, वी क्यूब इंटू डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर। और नीचे कुछ बच रहा है, बी स्क्वायर बच रहा है। लो फैल गया रायता, नहीं आया। सृष्टि तुम बातें बातें मत करो, पढ़ा ले लो पहले, बताओ ये समझ में आया बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर क्या होगा, अब वी स्क्वायर इंटू वी कितना, तो वी क्यूब, तो वन बाई टू रो लिखा यहां तक तो ठीक है, वी स्क्वायर इंटू वी, वी क्यूब कर दिया, डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब अगर आपको याद हो, हालांकि याद तो रहता नहीं है, अंडर रूट बी बाई रो याद है, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम बताया था। अच्छा बेटा स्क्वायर कर दोगे तो वी स्क्वायर बराबर बी अपॉन रो हो जाएगा, तो बी बराबर कितना होगा, वी स्क्वायर रो होगा। क्या बल्क मॉडुलस वी स्क्वायर, अरे यार सही लिखा। अब देखो तो जहां बल्क मॉडुलस है वो वैल्यू पुट कर दिए वाला, बताना कितना आएगा, हाफ रो वी क्यूब डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करना है, वी की पावर कितना होगा, स्क्वायर में स्क्वायर लगाओगे तो फोर हो जाएगा, रो स्क्वायर, ठीक है। रो से एक रो कैंसिल, वी क्यूब से पूरा ही कट गया, एक वी नीचे बचेगा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन टू रो वी। एक मिनट रुकिए, पहले एक बात सुनिए, ये मैंने क्यों कराया, क्या होता है हमें इंटेंसिटी का दो फॉर्मूला याद रखना है, एक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में और एक प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। पहले यहाँ तक पहुँचो बेटा, पहले यहाँ तक पहुँचो,
बेटा बात नहीं, बेटा बात नहीं, हो गया ध्यान दो इधर। चलो एक रिव्यू ले लेते हैं, स्ट्रिंग और साउंड वेव। चलो फटाफट बताते चलना, वेव ऑन स्ट्रिंग है ये, वेव ऑन स्ट्रिंग। चलो बस आपको यही टेबल याद रखना है, बस पीछे जो भी पढ़ा है सब व्यर्थ है। बताओ पहला पॉइंट, वेव ऑन स्ट्रिंग में एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलो, कॉपी से देख के मत बोलो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर। बस बस इसके आगे मत जाना। चलो पावर का ये आ रहा है ना, पावर का फॉर्मूला हाफ म्यू, ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ रो, ठीक। चलिए साउंड वेव के लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला जल्दी बताइए, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस 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 पावर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू बी। एस क्या बेटा, पाइप, और ए क्या बेटा, कौन सा एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का कि प्रेशर का, डिस्प्लेसमेंट वाला। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, जो ये वही है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू, ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में है, प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन टू रो वी। ये टेबल रट्टा मार जाओ, यही तो है बस, यही है बस, पीछे जो पड़ा है सब व्यर्थ है, यही है टेबल, ये टेबल आपको याद कर जाना है बस, हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस ये टेबल याद कर जाना है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव में एनर्जी पावर इंटेंसिटी के फॉर्मूले। इससे पहले जो भी आपने लिखा समझ लो कोई काम का नहीं है, मुझे नीट देना है, हमें नासा नहीं देना है, ठीक है। अंजलि आराम से, ठीक है ना अंजलि, हो गया। स्पीड ऑफ साउंड के बाद आप, और ये वाला लाउडनेस वगैरह, स्पीड ऑफ साउंड के बाद फिर एनर्जी वाला, यही टेबल याद करना है बस। बीच का सब कुछ एक नॉलेज के लिए था, कंसेप्ट के लिए था, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, इसी फॉर्मूले पे सवाल बनाने हैं आपको बस। K
क्या ये कहना गलत होगा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्या ये कहना गलत होगा कि इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है? ये कहना गलत नहीं है। चाहे वेव ऑन द स्ट्रिंग देख लीजिए, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, चाहे साउंड वेव का देख लीजिए, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या आई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर, चाहे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ले लो, चाहे प्रेशर एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही है। अरे बोलो, क्लियर है? इसी को तो याद करना है। एक्सपेक्टेशन ये रहता है वेव पढ़ने के बाद कि आप इंटेंसिटी के फॉर्मूले जानते हैं। आपको ये भी नॉलेज है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ये नॉलेज आपके सामने है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको पता है ये इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? ये पता चल गया? अब ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आपको आता होगा। जब आप वेव पढ़ लेते हैं तो आपको इतना आता होगा। मिटा दो बेटा, आइए लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखो बेटा, सुनिए अब आप, भाई आराम से सुनो। अरे 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 आराम से देखिए। सबसे पहली बात तो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हम लोग को सुन लेना चाहिए अच्छे से। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कि ये क्या है ना बेटा? अच्छा, एक बात, एक और चीज़ बताता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है इको। इको इज़ द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इको ही तो बोलते हैं, एको बोलते हैं। ये नया लेके आया है, इको बोलते हैं, एको बोलते हैं। अरे भाई, पता नहीं कौन सी इंग्लिश सीखे, आज तक तो लोग बोलते थे इको इको सुनाई दे रहा, एको। चलिए भाई, तो एको इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। सुनिए सुनिए, एक सेकेंड सुनिए। आवाज किधर से आ रहा है ये पता ही नहीं पड़ेगा, एक से ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, लगेगा इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अक्सर ऐसा खाली मॉन्यूमेंट्स या खाली हवेली बंगला है ना, जहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ नहीं है, वह आपको ऐसा सुनाई देगा। या घाटी में, पहाड़ियों में आप अगर ज़ोर से चिल्लाते हैं या गोली वोली फायर करते हैं तो ऐसा आपको लगेगा मुंडी ऊपर रख के। ध्यान दीजिए, हाँ, इधर इधर इधर। सबसे पहली बात तो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। जैसे स्ट्रिंग है बेटा, और ये यहाँ पर देखिए, ये बाउंड्री वॉल है, इधर देखिएगा प्लीज़। क्या होता है बेटा कि स्ट्रिंग में जब आप एक पल्स क्रिएट करते हैं ऐसे, तो पल्स क्रिएट हो गया। ऐसे से करेंगे तो वेव पूरा बनता चला जाएगा। तो एक पल्स मैंने क्रिएट करा, देखिए पल्स क्रिएट करा, इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा, लेट अस सपोज ए। अब क्या होता बेटा, जब ये पल्स ऐसे चलता है, पल्स चलता जाता है, रस्सी के पार्टिकल नहीं जाएंगे, रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, ये पल्स चलेगा 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 यहाँ पर आएगा। अब क्या होता बेटा, ये जो पल्स होता बेटा यहाँ पर आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर रिजिड बाउंड्री है बेटा, रिजिड बाउंड्री से जब टकराता है तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर रेस्ट में, जब ये पल्स यहाँ पर पहुँचता है, इसको टच करता है, तो रस्सी का टेंशन ऊपर खींचता है, तो ये ऊपर जाने लगता है, क्योंकि बगल का जो पार्टिकल है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है। जब ऊपर जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, रस्सी स्ट्रेच होती है, तब टेंशन पीछे खींचता है। तो ये इधर से भी एनर्जी आती है इसके अंदर, है ना? खैर, तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगता है। जब ये वाला पल्स यहाँ पर पहुँचता है बेटा, तो ये तो कील है रस्सी में, ये कील से फिट है। अब जब ये पल्स ऊपर खींचता है तो कील ऊपर जा ही नहीं पाता, क्योंकि रिजिड बाउंड्री से कनेक्ट है। ये एक्शन जितना होता होता है, रिएक्शन पीछे लग जाता है। तो इसमें क्या होता बेटा, जब पल्स रिजिड बाउंड्री से टकराता है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी बेटा, ए एम्पलीट्यूड का पल्स आया, ए एम्पलीट्यूड का पल्स रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पर देखिए इसका जो फेज होगा वो उल्टा हो गया, 180 डिग्री का फेज हो गया। इसको हम बोलते हैं कि फिक्स्ड वॉल से टकराया। ये फिक्स्ड वॉल है बेटा, ये फिक्स्ड एंड कर देता हूँ, ये फिक्स्ड एंड है,
यहाँ पर जो रस्सी का एंड है वो फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री से टकराया। तो रिजिड बाउंड्री से जब टकराएगा तो पल्स का फेज उल्टा हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, अब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया। हम जानते हैं बेटा SHM में जानते हैं ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। यहाँ पे मीन पे फेज जीरो, एक्सट्रीम पे 90 डिग्री, वापस आते 180 और फिर यहाँ आते 270। तो 90 और 270 का डिफरेंस कितने का होता है? 180 का। तो जब भी पल्स रिजिड बाउंड्री से टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, अगर मुझसे कहा जाए कि जो इंसिडेंट वेव है उसका बेटा अगर मैंने लिखा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर मैंने वेव का इक्वेशन लिखा, देखिए ए साइन ओमेगा टी एम्पलीट्यूड ए है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस का मतलब हुआ कि पॉजिटिव एक्स की तरफ ये चल रहा है। तो देखिए जो वेव रिफ्लेक्ट होगा, ये पल्स रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका जो इक्वेशन लिखेंगे बेटा, देखिए इसमें सबसे पहले तो 180 का चेंज आया, अरे 180 का चेंज आया, और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो गया बेटा? अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो ये किधर जा रहा है? तो रिफ्लेक्टेड वेव का हम अगर इक्वेशन लिखेंगे बेटा, तो पहली बात माइनस का करेंगे प्लस, माइनस का करेंगे प्लस, अब उसके बाद 180 डिग्री का चेंज है तो पाई भी जोड़ देंगे। पाई मतलब 180, नहीं आया समझ में? ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन मैंने लिखा और ये मैंने किसका इक्वेशन लिखा बेटा? रिफ्लेक्टेड वेव का। अब आपको क्या याद रखना है कि व्हेन वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम कहाँ से? रिजिड बाउंड्री, फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, देन फेज चेंजेज बाई पाई, देन फेज चेंजेज बाई पाई, है ना, पाई का चेंज होगा। पहुंचो, क्या ये आसान है? क्या ये भारी लग रहा है बेटा? ये बताओ कहाँ पे टफ लग रहा है, बताओ मुझे, डिस्कस करो। जब तक बोलोगे नहीं, गुमसुम हो जाओगे, बदहवास हो जाओगे, तो कैसे चलेगा काम? बदहवास हो जाना, बदहवास का मतलब तो डर जाना, कुछ ऐसी चीज़ देख लिया जिसमें कि हम डर गए, अंदर तक हिल गए, ऐसा बोलते हैं ना, आत्मा कांप गई। हाँ बताओ बेटा, ये वाला चीज समझ में आया? पहले ये बताओ, अरे बोलो ना, कहीं दिक्कत है तो बोलोगे ना, पहली बार पढ़ रहे हो क्या? एकदम फर्स्ट टाइम, एकदम ताजा ताजा है एकदम। हाँ बगल में बेटा ना गोली लेकर बैठा करो, हाजमोला को गोली, एक पड़ा फट से अंदर हाजमोला डाला, एकदम हाजमोला डालते चले जाओ, हजम हो जाएगा सब सब। क्या समझे? जब भी ये कॉन्सेप्ट मेन है, जब भी वेव रिफ्लेक्ट करता है रिजिड बाउंड्री से तो उसका फेज 180 डिग्री से बदल जाता है। रुक जाओ, मिटा दूँ बेटा, वेरी गुड, मुंडी पर करो, चलो देख रहे हो। चलो बेटा दूसरी बात समझो, इधर देखो, हाँ अब क्या हो गया? दूसरी बात समझो, इधर देखो यार, प्लीज समझो ना ध्यान से, इधर समझो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो, क्वेश्चन आएगा तुरंत बनने लगेगा, इधर ध्यान दो। अगर मान लो बेटा ये जो है पल्स मैंने प्रोड्यूस करा स्ट्रिंग में, अब की बार अगर इस तरह का सवाल आया कि ये रस्सी जो है
दीवार से कील से नहीं बंधाओ बेटा, एक रॉड है और इस रॉड पर एक रिंग से रस्सी को बांध दिए और ये रिंग बड़े आराम से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो सकता है, फ्रीली ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो रस्सी फंसा हुआ है, आपके हाथ में एक एंड है और दूसरा एंड यहाँ रिंग से बंधा हुआ है, रिंग स्मूथली ऊपर नीचे जा सकता है, ऐसे करेंगे ना तो ये फटाक से जाएगा, ये टकरा के ऊपर ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, रिंग ऊपर जाने लगे, अरे जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब बोलेगा, सुनो बेटा एक मिनट, ऐसे केस में अगर बोलेगा कि बताइए भैया अब क्या होगा, प्लीज सुनिए अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे देखिए ये जो एंड है बेटा ये फ्री एंड है, नॉट फिक्स्ड, दिस इज द फ्री एंड, फ्री टू मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब ये पल्स है, इसका एम्पलीट्यूड ए मान लीजिए और ये ऐसे आ रहा है, आफ्टर टकराने के बाद तो यहां पर बेटा पल्स एकदम सेम जाएगा, यानी नो चेंज इन फेज। जब फ्री एंड से टकराता है बेटा तो वो उल्टा हो जाता था, जब यहाँ रिजिड एंड बांध देते मतलब कील से बांध देते थे तो वो उल्टा कर देता था पल्स को। यहाँ पर क्या होगा, पल्स यहाँ पहुँचेगा, जब पल्स यहाँ पर पहुँचेगा रिंग के पास तो रिंग पे फोर्स लगाएगा तो रिंग बड़े प्यार से ऊपर जाने लगेगा, रिंग बड़े प्यार से ऊपर जाने लगेगा तो रिंग ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो ये पल्स पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपसे बोला जाएगा, भाई सुन ले बात मत कर, क्या यहाँ कोई फेज में चेंज हुआ, तो हमारा आंसर है नहीं, यहाँ फेज में नो चेंज। तो कभी भी आप क्या याद रखेंगे बेटा, अगर फ्री एंड से रस्सी का एक एंड तो आप इधर पकड़े हुए और ये एंड एक रिंग से बंधा और रिंग ऊपर नीचे जा सकते, ये रिंग है बेटा और ये रिंग है और ये रॉड है और स्मूथ है, ऊपर नीचे आराम से जा सकता है। उस केस में अगर पल्स टकरा के लौटेगा तो हम बोलेंगे कि फेज में कोई चेंज, बोलो क्लियर। अगर मैं बोलूं इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखो, बोलो क्या लिखोगे, इस वेव का इक्वेशन लिखो, चलो बताओ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना भाई, हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है ना। अच्छा बताइए रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन बताइए, बोलिए क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड वही है, क्या यहाँ पर फेज में कोई चेंज हुआ, तो बोले नहीं सर, तो ओमेगा टी बस माइनस के जगह क्या लिखेंगे, प्लस क्यों दिया बताओ, पॉजिटिव एक्स से किधर चला गया, नेगेटिव है तो प्लस करेंगे इन टू के प्लस के एक्स। अच्छा बताइए क्या फेज चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे व्हेन वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द फ्री एंड देन नो चेंज इन फेज फाउंड। सिंपल, मतलब रस्सी वाला ये सवाल आता है कि बताओ भाई रिजिड बाउंड्री कील से बांध दिया तो बताओ टकरा के लौटेगा, फेज चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा, इस केस में होगा नहीं होगा, सिंपल तो कहानी है, सिंपल तो कहानी है, लोग डर जाते इसी में, छोटा छोटा चीज है, इसमें आ रहा है सही से, देखो बोलो बेटा आ रहा है समझ में, बेटा बात नहीं करो प्लीज, ये बात समझ में आ रही है, चलो मिटाता हूं, मिटा दूं, देखो बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर प्लीज देखो, जैसे बेटा इस चीज को समझो, जो मेन बात है वो ये समझो, इधर ध्यान दो प्लीज सुनो, इधर 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 भाई इधर देखो। अच्छा देखो क्या होता है बेटा कि रस्सी जब ऐसे करके आप बांध देते हैं कील से,
तो हम इसे बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब आप समझो पहले ध्यान से, जब हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री से वेव पल्स टकराएगा, तो रिजिड बाउंड्री का मतलब यहाँ पर बेटा, रिजिड बाउंड्री का मतलब यहाँ पर डेंसर मीडियम का, यहाँ के बाद डेंसर शुरू है, मतलब बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम, इसे हम समझेंगे बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम। आराम से सुनना पहले, बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम आराम से सुनना। कुछ कंसेप्ट हैं जो आप बहुत आसानी से सीखने वाले हो, जैसे रस्सी है, ये एंड बंधा हुआ है, फिक्स्ड है, अब पल्स ऐसे आया और टकरा के लौट गया, 180 डिग्री यानी पाई का चेंज हुआ, बोलते रिजिड बाउंड्री है। रिजिड बाउंड्री इसका सेंस ये है कि ये बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम है, यानी वेव पल्स ट्रैवलिंग इन रेरर मीडियम, रेरर से चलते चलते ये डेंसर की सरफेस से आया, टकरा के लौट गया, तो हम बोलते फेज चेंजेज बाई पाई, देन फेज चेंजेज बाई पाई। समझो ध्यान से, बहुत सिंपल सा कहानी है बेटा, फेज चेंजेज बाई पाई। अब जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज़ को समझो बेटा, इसका आप सही मतलब समझो। जैसे देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि ये ग्लास है, लेट अस सपोज, और ये एयर है, अगर मैं बोलूं लाइट वेव आ रहा है, दिस इज लाइट, सुनना ध्यान से, लाइट वेव आ रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, लाइट एयर में चल रहा है, एयर और ग्लास में कौन रेयरर है और कौन डेंसर है लाइट के लिए? लाइट इज अ वेव, ठीक है, तो एयर क्या बेटा? रेयरर। अच्छा, रेयरर और डेंसर कैसे पहचानते हैं? स्पीड से, एयर में स्पीड ज़्यादा है तो रेयरर हो गया, ग्लास में स्पीड ऑफ द वेव कम है तो डेंसर हो गया। अब लाइट यहाँ पर बेटा रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, दोनों काम होता है, होता है ना ग्लास पर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ अकर्स। अच्छा बताओ बेटा, ये वेव कहाँ चल रहा है? रेयरर मीडियम में चल रहा है ना, और देखो टकराया ना, कौन से सरफेस से टकराया? डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराया, ग्लास इज द डेंसर ना, अब डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराया, तो हम बोलेंगे सर ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, इसका फेज चेंजेज बाई पाई। देखिए ये कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हम लोग पढ़ते हैं और इसे ऑप्टिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए इसमें फेज चेंज हो जाएगा पाई का। देखिए लाइट जब भी वेव कोई भी हो, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो साउंड वेव हो, कोई भी वेव अगर रेयरर मीडियम में चलता है, डेंसर मीडियम की सरफेस से टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ, मैं ये वाला भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये ट्रांसमिट हो रहा है, इस पे बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं इस पे बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ रहे टॉपिक, तो फेज चेंजेज बाई पाई। अब जैसे क्या होगा बेटा, मान लीजिए ये ग्लास है और ये एयर है, सुनना ध्यान से, मैं बोलूँ साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, कहाँ ट्रेवल कर रहा है? ग्लास में। बताइए साउंड के लिए ग्लास डेंसर है या रेयरर है? रेयरर है। क्यों? अच्छा साउंड की स्पीड ग्लास में ज़्यादा? क्यों क्यों क्यों? अच्छा इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड है तो सॉलिड मतलब क्या उसमें इलास्टिसिटी, तो ग्लास में इलास्टिसिटी ज़्यादा से साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, एयर में स्पीड क्या होगा साउंड की? कम, जिस मीडियम में कम हो गया वहाँ डेंसर कहलाता है। बताओ यहाँ पर लाइट ए साउंड वेव इस सरफेस पे आके गिरा, बताओ इसके आगे डेंसर है या रेयरर है? देखो रेयरर पकड़ रही है, ये लाइट वाला दिमाग में रख रही है, ये दिखा। अरे नितेश, नहीं क्या नाम है, नित्या, नहीं क्या नाम है तुम्हारा, निश्चय, निश्चय, अच्छा निश्चय, ये साउंड वेव ग्लास में चल रहा है और ग्लास से एयर में जाना है, बोलो ग्लास डेंसर या रेयरर है बेटा? साउंड के लिए ग्लास रेयरर या डेंसर है? मास्क नीचे करके बोलो। क्यों तुमको नहीं पता? आस पड़ोस वाले बोला होगा रेयरर तो तुम सुन लिया होगा, तुम बोलो दोस्त पड़ोसी, ये रेयरर है कि डेंसर है? क्यों? स्पीड ज़्यादा है ग्लास में, साउंड की स्पीड ग्लास में ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है, एयर में कम होती है क्या? नहीं तो बोला नहीं अपना कंसेप्ट हिला दिया कमबख्त। अच्छा अंजलि, ग्लास और एयर में कौन रेयरर है और कौन डेंसर है साउंड के लिए?
क्यों रेयर है बेटा? क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा बोला, ऐसा लगता है किसी एड को बोल रही है। नहीं, ये है पेंसिल, HB पेंसिल, इससे आप लिखे सालों साल लिखते रहे, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। बहुत अच्छा बोला। हाँ देखिए, अच्छा एक बात और बताइए, साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, बताओ साउंड डेंसर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि एयर इज द डेंसर, रिफ्लेक्ट हुआ तो फेज चेंजेज भाई पाई। अरे यही तो छोटी बात सिखानी थी मुझे, यही तो छोटी बात सिखानी थी, पहुंचो ना, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, लोगों को खबर ही नहीं है, पता रहेगा तभी तो सवाल बना पाओगे। शांत बेटा शांत, अगर मैंने इसको वेव ऑप्टिक्स में कहीं बोल दिया कि देखो बेटा लाइट ना ग्लास की सरफेस से टकरा के लौट रहा है, फेज चेंजेज बाय पाई, वही रायता फैलेगा। फेज ये क्या होता है, पाई का बदलता है, ये कहां से बदल जाता है, बेल, आराम से आराम से। हम क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये सृजन के बोल बच्चन है, बोल रही है हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ तो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हो गया, क्या बात है सृष्टि। बेटा आराम से बेटा, हाँ शांत, बेटा आराम से प्लीज, मिटा दूँ? चलिए इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, सुनिए इस सवाल का देखिए जवाब। अगर मान लो बेटा, भैया प्लीज चाचा मुंडी पर करो, एक बार क्या हो बेटा, सवाल ऐसे आया कि ये रॉड है और रिंग से बांध दिए, अब यहाँ से पल्स ऐसे दिए कि ये ऐसे करके फ्री एंड है। अच्छा बताओ फ्री एंड, क्या हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम, बाउंड्री ऑफ, सुनो आराम से कंसेप्ट क्लियर करो, बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम। बताओ बेटा यहाँ पर फेज चेंज होता है क्या? तो हम बोलते हैं नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज, ऑसिलेशन का फेज नहीं बदलेगा। आराम से एक मिनट, अरे मैं बोलता हूँ एक मिनट तो मानता ही नहीं है ना, इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। अगर मान लो बेटा इसको ऐसे समझो, मान लो जैसे ये लाइट वेव, समझो बेटा इधर है चाचा, मान लो ग्लास से एयर में जा रही है कौन, लाइट वेव। अच्छा बताओ बेटा सब लोग समझना ध्यान से, लाइट वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर। अब जब बताओ लाइट के लिए ग्लास कैसा है, डेंसर या रेयरर, और एयर देखो रेयरर बाउंड्री पड़ रहा है। जब भी कोई सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है ना, तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, यहाँ रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, नॉर्मल से अवे मुड़ जाता है लाइट। इधर ध्यान दो बेटा, देखो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अब ये देखो रिफ्लेक्ट हो रही है, बताओ इसका फेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा,
नहीं बदलेगा। पूछो क्यों नहीं बदलेगा? रेरर मीडियम की सरफेस से टकरा के लौटा, चल रहा है डेंसर में और रेरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद रेरर है तो वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो हम बोलते हैं नो चेंज इन फेज। नो चेंज इन, देखो फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन फेज, समझो बेटा ध्यान से। अच्छा बताओ, साउंड वेव अगर एयर टू ग्लास जा रहा है, एयर में है साउंड वेव और ये ग्लास की सरफेस से टकराया, बताओ बताओ अब यहां से टकरा कैसे लौटा, बताओ ये साउंड वेव कौन सी सरफेस से टकराया? ग्लास का रेरर है, अच्छा तो रेरर बाउंड्री के सरफेस से टकराया। अच्छा ये साउंड वेव चल किस मीडियम में रहा, डेंसर या रेरर? डेंसर में चल रहा है और आकर के रेरर बाउंड्री जिसके बाद रेरर शुरू होता वहीं से टकरा के लौट गया, बताओ फेज में चेंज होगा? नहीं, रेरर बाउंड्री उसके बाद शुरू हो रही है, रेरर शुरू हो रही है तो उसके सरफेस से टकराएगा, तो नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज। अरे भाई ये क्या पढ़ा दिया, ये ऐसी बात बताया बेटा जो वेव जानने वाले लोगों को ये सारी बातें पता होती है। आराम से आराम से आराम से, बातें नहीं लिखो इसे, ठीक हो सोनी दीदी? सोनी दीदी को वेव में सब रायता फैल गया, उनको कुछ भी समझ में, ए शांत ए ए बात नहीं, हाँ अरे तो आत्मा भी तो एक ही हो गई ना अब तो। आराम से आराम से, हो गया? मिटा दूं बच्चों? मिटा दूं? चलो अब सीधा सीधा फाइनल आपको क्या याद रखना है वो अब आप सुन लो, इधर ध्यान दो, फाइनल क्या याद रखना है ये सुन लो। देखो बेटा देखो, फाइनली क्या याद रखना है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दोगे अगर थोड़ा बहुत समझोगे तो, फाइनल तो फिर से एक बार एक फाइनल टेबल बना देते हैं याद हो जाएगा। अच्छा फाइनल ये चीज़, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मान लो बेटा ये ग्लास स्लैब है, ये क्वेश्चन हमको इस तरह का ऑप्टिक्स में यूज होगा, इधर ध्यान दो, ये ग्लास स्लैब है, लाइट ऐसे आई, लाइट ऐसे आ रही है और ग्लास स्लैब के सरफेस पे गिरी, अब ये लाइट यहाँ से थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर आके गिरेगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी रिफ्रैक्ट भी होगी, ये यहाँ पर आएगी फिर रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। अब सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो लाइट आ रही है बेटा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बताओ इस फर्स्ट लाइट में फेज चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, बताओ क्यों चेंज होगा? इसमें डेंसर से टकरा रही है, डेंसर से टकराएगी तो फेज चेंजेज भाई पाई, यहाँ टकरा रही है, इस वाले में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ? दूसरे वाले में क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि उसके बाद रेरर से टकरा रही है, ये रेरर से टकराएगी तो नो चेंज जीरो। यहाँ बताओ ये यहाँ से यहाँ टकरा रही है, इसको बताओ बताओ यहाँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ? नहीं चेंज होगा सर, क्योंकि ये रेरर से फिर टकरा रही है, नहीं आया, रेरर से टकरा रही है, नो चेंज इन फेज है, सिंपल हो गया, यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं इतनी देर से, नहीं आया समझ में? चलो एक बार बताओ फाइनली, इधर सुनो,
वेव ट्रेवलिंग इन डेंसर टू, मतलब वेव ट्रेवलिंग इन रेरर मीडियम, वेव ट्रेवलिंग इन, वेव रेरर मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, वेव रेरर मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, वो डेंसर की सरफेस से टकराएगा, या ऐसे नहीं, ऐसे बना देता, रुक जाओ, ये बेटा रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, बताओ बेटा, वेव ऐसे करके आया और टकराने के बाद इधर जा रहा है, ये आ रहा है और ये जा रहा है, बताओ फेज चेंज होगा कि नहीं होगा, तो पाई याद रखेंगे, केवल पाई, क्लियर, ये याद रखोगे। अच्छा बताओ बेटा, वेव डेंसर मीडियम के सरफेस से टकराएगा, सॉरी डेंसर और ये रेरर है, अब बेटा ये वेव ऐसे आया, टकराया और ऐसे करके इधर गया, ये आया और ये गया, बताओ फेज चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंज इन फेज, जीरो, ये याद रखना है, यही याद रख लो बस, इसी पे काम करना हमें, रेरर पे चल रहा, डेंसर से टकराया, लौट गया, पाई का चेंज, डेंसर में चल रहा, रेरर से टकराया, नो चेंज, खत्म बात। ये वेव जिसको पता होता है ना, नॉलेज होती है ना वेव की, उसको ये याद रहता, बहुत बेसिक चीज है भाई, बहुत बेसिक चीज है बेटा, बात नहीं, प्लीज, अरे बातें नहीं करो यार, बोलो, घबराहट हो रही है, अरे बहुत आसान है, काहे बात का घबराहट भाई, जान दे रहे हो जबरदस्ती, क्या हमने बहुत ही छोटा पॉइंट पढ़ा एक, यही दो पॉइंट पढ़ाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ा, यही दो पॉइंट पढ़ाने के लिए, इधर ध्यान दो, चलो इस सवाल का जवाब देना, तो बेटा इस सवाल का जवाब देना, तो इस सवाल का जवाब दो बेटा, ध्यान देना, ये मैंने कहा ऑर्गन पाइप है, एक पाइप है जिसका एंड क्लोज्ड है, और मैंने कहा ये एक पाइप है जिसका ये वाला एंड खुला, एक तरफ से तो वेव भेजना ही है, एक एंड तो खुला ही रहेगा ताकि हम उधर से साउंड वेव भेज सकें, और ये वाला खुला है, ओपन्ड, और ये क्लोज्ड है, इसलिए इसको बोलते बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं इसको, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए, और इसे बोलते हैं ओपन्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा बेटा, क्या ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है, जैसे कोई भी पाइप ले ले वो ऑर्गन पाइप है, नहीं, रुक जा, अब बायो वाला ऑर्गन, पहले तो ये ऑर्गन बायो वाला पकड़, ये लीवर हार्ट ये सब समझ रही है बैल बुद्धि, इससे यह, इससे यह एकदम सत्यापित होता है, वेरीफाइड हो गया बैल बुद्धि, अटेस्टेड होता है ना, अटेस्टेड बैल है, बिल्कुल अटेस्ट करके सिग्नेचर किया हुआ है कि यस यू आर सर्टिफाइड बैल। अच्छा ये मजाक था, हम भी तो मजाक ही करते रहते हैं बेटा, खैर इधर ध्यान दो, मैं इधर हूँ बेटा, इसको क्या बोलते बेटा जल्दी बताओ, और ये कौन सा है, देखिए ये ब्रज क्षेत्र है, अरे ये ब्रज क्षेत्र है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन यहाँ पर खूब सुनाई देती थी उस जमाने में, क्या बांसुरी बहुत फेमस है, अच्छा बांसुरी को हम ऑर्गन पाइप कहते हैं, बांसुरी इज कॉल्ड द ऑर्गन, एक मिनट रुकिए, ये जो बांसुरी होता बेटा वो बड़ा सा सिलेंडर ले लो तो बांसुरी हो गया, अरे बड़ा सा सिलेंडर ले लो तो बांसुरी हो गया, बांसुरी का मतलब ये हुआ कि लेंथ बड़ा होगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और एक तरफ से फूंक मारते हैं तो मधुर संगीत पैदा होता है, आराम से आराम से, वही ऑर्गन पाइप, बोलो क्लियर, रुके रुके मैं बोलना चाहता हूं बेटा, इस ऑर्गन पाइप में जब साउंड वेव इधर से जाएगा बेटा, ये रिजिड बाउंड्री है, एक मिनट, इसको बंद करने के लिए तुम क्या करोगे, तो कोई प्लेट लगाओगे,
मेटल का प्लेट लगाओगे, कोई रिजिड वॉली तो लगाओगे, यानी सॉलिड है और ये क्या एयर है। अब बताओ बेटा, साउंड इज ट्रेवलिंग इन एयर और ये है सॉलिड, सॉलिड का ही बना हुआ है ना। अब बताओ बेटा, जब साउंड ऐसे करके आएगा और टकराएगा तो बताओ इसके फेज में चेंज कितने का होगा, जीरो या पाई? जीरो या पाई? आंसर इज जीरो, क्योंकि आप सर्टिफाइड बैल है, ठीक है। आंसर इज जीरो, नॉट पाई। पूछो क्यों? बैल ये सॉलिड है, सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, ये रेयरर मीडियम बन जाएगा। एयर हमेशा ना साउंड के लिए ना डेंसर है, कम वक्त, सबसे कम स्पीड साउंड की एयर में ही पाई जाती है। अगर तुमने यहाँ सॉलिड बॉडी लगा दिया, सॉलिड बाउंड्री है ये सॉलिड वॉल लगा दिया, बस तुरंत सॉलिड का मतलब साउंड के लिए रेयरर, और रेयरर की बाउंड्री से टकराएगा। अभी मैंने पढ़ाया, ऐसा डायग्राम बनाया था कि बेटा डेंसर में चल रहा है और रेयरर से टकराएगा, तो ऐसे करके टकराता है, फेज में चेंज नहीं होता है। अभी बताया था क्या यहाँ फेज चेंज होगा? देखिए आप कैसे गड़बड़ कर दिए थे, आपने बोला फेज चेंज पाई। बताइए साउंड के लिए रिजिड वॉल कैसा काम करेगा बेटा? रेयरर की तरह। क्यों करेगा काम? क्योंकि सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो यानी रेयरर बाउंड्री की सरफेस से टकरा रहा है, तो हम बोलेंगे नो चेंज इन फेज। रिफ्लेक्शन के बाद भी यहां लिख देता हूं, नो चेंज इन फेज, यानी यहां से साउंड जब टकराएगा तो फेज में चेंज नहीं होगा। एक मिनट, ये वाला नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सृजन एक बात बताओ, ये बेटा ये ग्लास है, या मान लीजिए ये कंक्रीट वॉल है, और ये हवा में चल रहा है साउंड। अब बताओ बेटा, एयर और ये सॉलिड, बताओ साउंड की रफ्तार कहाँ कम कहाँ ज़्यादा? एक मिनट जरा सृजन को बोलने देना, एयर रेयरर हो जाएगा किसके लिए? साउंड के लिए कौन डेंसर है? क्यों? डेंसिटी? अंजलि बताओ, अंजलि एयर में साउंड, एयर जो है साउंड के लिए रेयरर या डेंसर है? डेंसर है। क्यों? इलास्टिसिटी कम है, तो साउंड की स्पीड कम है। और ग्लास क्या है? या वॉल सॉलिड ही तो होता है, सॉलिड कैसा काम करता है साउंड के लिए? अब यहां से टकरा रहा है, बोलो फेज चेंज होगा? अरे फेज चेंज होगा? हाँ होगा। इसको तो 50 बार पढ़ा दो तो भी बोलेगा हाँ होगा, अभी होगा, अभी क्या अभी होगा। क्या रेयरर बाउंड्री के सरफेस से टकराने पे फेज चेंज होता है? नहीं, याद कर लो ना, रेयरर बाउंड्री से टकराएगा फेज चेंज नहीं होगा। रेयरर बाउंड्री से टकरा रहा फेज चेंज होगा? ये बेटा बंद करने के लिए तुम क्या करती हो, दूसरा गैस भरती हो, क्या बात कर रहे हो? यहां पर वॉल ही तो लगाओगे, प्लेट लगाओगे, ढक्कन लगाओ, कुछ तो लगाओगे, पाइप को कैसे बंद करोगे भाई? कोई ढक्कन लोगे, प्लेट मेटल का लकड़ी का कुछ तो लोगे, सॉलिड नहीं हो गया वो? और सॉलिड कैसा काम करता है साउंड के लिए? रेयरर। रेयरर बाउंड्री के सरफेस से टकराएगा तो नो चेंज इन फेज। बोलो आया समझ में? अरे आया समझ में? सृजन का माथा घूम गया है। अच्छा एक मिनट, अगर ये सवाल आ गया बेटा तो आप बना दोगे? देखो नहीं बोलता है बैल, उम्मीद भी नहीं है तुमसे बे। देखिए ऐसे सवाल आता है, देखिए सिंपल सा थ्योरेटिकल सवाल आएगा। आपने देखा ना नीट का पेपर कैसा थ्योरेटिकल टाइप का सवाल देता है, यानी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है। ये देखिए ये बहुत टफ चीज नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे इसलिए आपको लग रहा है ये टफ है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि आप समझ जाते उस क्षण पे, अगले ही पल 5 मिनट बाद दूसरे पॉइंट में अगर वो यूज करते तो आप भूल जाते, जैसे सृजन भूल गई थी ना। अभी इसको मैं बताया कि नो चेंज, तो सर समझ नहीं आया, अब मैं इधर समझा रहा हूँ तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा। बेटा ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर ये बहुत छोटी बात है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जैसे हम लोग वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते ना, कुछ उसी लेवल का ये है। अभी मैं मोटा मोटा बहुत छोटी छोटी 2-3 पॉइंट बता चुका हूँ। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको 2 ही चीज़ सिखाया अभी तक,
डेंसर की सरफेस से टकराएगा, फेज चेंज इज बाई पाई। रेरर की सरफेस से टकराएगा, नो चेंज इन फेज। यही तो दो पॉइंट सिखाया। तीसरा पॉइंट में यही सिखा रहा हूँ बेटा, ऑर्गन पाइप में बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। ओपन्ड ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दो तरह का ऑर्गन पाइप होता है। प्रॉब्लम ये होता है ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप साउंड ऐसे आया, अरे सर रिजिड वॉल है, टकराया। अरे वॉल रिजिड बोलते हो तो सॉलिड हुआ ना, और सॉलिड का मतलब साउंड के लिए वो रेरर हो गया। जो जितना रिजिड है, मतलब जितनी इलास्टिसिटी है साउंड के लिए, उतना बढ़िया चीज़ है। यहाँ से टकराया, तो जैसे आप लोग पाई बोल रहे थे ना, वैसे ही बच्चे पाई बोलते, सर पाई क्यों? अरे सर रिजिड वॉल है। अरे गधे टकरा कौन रहा है, ये तो देखो साउंड टकरा रहा है, वो रिजिड वॉल उसके लिए रेरर का काम करेगा, और रेरर की बाउंड्री से टकराने पे नो चेंज इन फेज। बोलो क्लियर? अब सुनो, ये पाइप बेटा पतला होता है, पतला होने से क्या होता है, थोड़ी यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, वॉल से टकरा के पास आ जाता है, तो अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है। रुकिएगा ध्यान से, इसको सुनिए, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर बेटा कुछ लोगों को लगेगा, सर मैं यहाँ से साउंड भेजूंगा तो सर वो साउंड ऐसे जाएगा और निकल जाएगा। हाँ भाई निकल जाएगा, बात तो तुम सही कर रहे हो यार, फूंक मारेंगे तो फूंक मारेंगे निकल जाएगा, फूंक इधर होता है, फूंक मारेंगे फूंक निकल जाएगा। साउंड क्या है? फूंक। अब भाई साउंड क्या है? इट इज अ फूंक, इट इज अ डिस्टर्बेंस, है ना भाई। अब सोचो, प्रॉब्लम ये बेटा कि हमारा कॉमन सेंस ये कहता है यहां से फूंक मारेंगे फूंक निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, देर इज सम इरेगुलरिटीज। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, यहाँ डेंसिटी थोड़ा कम मिलता है। अच्छे डेंसिटी ज़्यादा क्योंकि पाइप पतला होने से मॉलिक्यूल फ्रीली घूम नहीं पाता है, वो बार बार टकरा के वहीं पहुँच जाता है, तो यहाँ घना मिलता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास मिलते हैं, और यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर मिलते हैं, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा मिलती है, यहाँ डेंसिटी कम मिलती है। एंड व्हेन देयर इज इरेगुलरिटी इन द मीडियम, मीडियम में कभी इरेगुलरिटीज होती है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, एयर की रिफ्रैक्टेड बोलते ना, एयर की रिफ्रैक्टेड वन होती है, लेकिन तारों को देखते तो टिमटिम आता है, क्यों? कभी एयर कम कभी एयर ज़्यादा, क्योंकि जो एयर है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी कहीं पर डेंसर है कहीं पर रेयरर है। यहाँ पर भी यही हाल होता है, यहाँ पर बेटा एयर इरेगुलरिटीज होती है, और बाउंड्रीज पर, एट द बाउंड्री, यहाँ पर जहाँ पे इधर 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 की डेंसिटी इधर की डेंसिटी अलग है, मतलब इधर की मीडियम अलग है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, यानी वेव रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी। तो हमारा कॉमन सेंस कहता फूंक मारेंगे तो फूंक निकल जाएगा, भाई ये ऐसा नहीं है, देर इज सम फूंक जो कि रिफ्लेक्ट भी होगा। नहीं आ रहा समझ में? डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट, क्या रीजन देंगे बेटा? हम ऐसे बोलते हैं कि मीडियम में कहीं भी इरेगुलरिटीज होती है, अलग अलग हो जाती है, देखने में एयर एक जैसा लगता है, बोलते हैं ना एयर तो एयर ही है भाई, फिर भी तारे ट्विंकल करते हैं, क्यों भाई? ट्विंकलिंग होती है ना, क्योंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बार बार बदलती है, कहीं एयर कम हो गया कहीं एयर ज़्यादा हो गया, इसलिए हमारी आंखों पे कभी लाइट आती है कभी नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती, आती है तो चमकता है नहीं आती है तो हम बोलते हैं डीम हो गया, यही बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग। लाइक वैसे ही इरेगुलरिटीज होती है। यहाँ पर बेटा जब साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ फेज चेंजेज बाई पाई, यहाँ फेज चेंजेज बाई पाई। देखिए बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है, एक बार में पचा पाना मुश्किल है। पहले लिखो इसे, पहले लिखो, घबराना नहीं बेटा, हो गया, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, इसे याद रख लेना। आज हम लोग बहुत थोड़ा सा पढ़े हैं, सही बताओ, मोटा मोटा बहुत थोड़ा सा, दो चार फॉर्मूले उधर पढ़े हैं और दो कंसेप्ट इधर पढ़े, बस इतना ही पढ़े हैं। कल ये कंप्लीट हो गया, ऐसे तो कंप्लीट हो गया, ट्रांसमिशन समझाना है और कल से डॉपलर इफेक्ट शुरू कर देंगे। अब आपका ये साउंड वेव ज़्यादा नहीं बचा बेटा, डॉपलर इफेक्ट और उसके बाद फिर सुपरपोजिशन और ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना? वही सुपरपोजिशन तीन टाइप के होते हैं, वो तीनों टाइप एक्सप्लेन करने हैं बस, ठीक है? ओके okay.